जब उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे तब हमें ये सूचना मिली कि उसका मैसेज उस महिला के पास में आया और वो महिला रिंग रोड बगराना के पास में रिलायंस पेट्रोल पास में बच्चे को छोड़ के चली गई। जब राहगीरों ने हमारी टीम जब मोबाइल थी राहगीर कुछ खड़े हुए तो टीम को संदेह हुआ और वहाँ से हमने करीब रात को 12:30 बजे बच्चे को बरामद किया और एक बेशुद्ध एक बेहोश हो चुकी माता के सामने हमने उसका बच्चा लेके गए और बच्चा करीब 3.5 घंटे से अपनी माँ से एक दिन का बच्चा दूर था। उसको उसने दुलारा जो भी उसको फीडिंग किया क्योंकि ये बच्चा उस समय कुछ खा पी भी नहीं सकता है और डॉक्टर से हमने चेकअप करवाया हमारी पूरी टीम ने। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी कि बच्चा स्वस्थ है और जो पैरेलल एक चीज़ और हमें सामना करना पड़ रही थी कि चूँकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला था अस्पताल प्रशासन पुलिस प्रशासन के प्रति वहाँ के करीब 500 लोग एकत्रित हो चुके थे जो एक जैसा कि पब्लिक का एक प्रेशर भी होता है उनके द्वारा भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की बातें आ रही थी लेकिन उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक महिला और एक जो वहाँ के बैरवा समाज के जो लोकल अध्यक्ष हैं उन्होंने रोल अदा किया और पुलिस की गतिविधियों के बारे में उन्होंने बताया तो एक लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मेंटेन हुआ और जनता का हमें अच्छा सहयोग मिला और पुलिस की कार्रवाई को जनता ने सराहाया। हमारी जो टीम थी उस टीम ने बहुत ही डेडिकेटली जहाँ जिसको जो क्ल्यू मिले उसके आधार पर काम किया और अपहर्ताओं पर इतना प्रेशर बनाया कि उनको बच्चे को छोड़ना पड़ा। हमारे लिए एक एक पल भारी था क्योंकि नवजात एक दिन का बच्चा था फीडिंग था बच्चे को प्रेशर में मारने देने ये हमारा डर था और तीसरा सबसे था कि यदि कहीं फेंक दिया रात्रि के समय में तो रात्रि समय में सुनसान जगह पे कोई हमें सूचना भी नहीं मिलेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कमिश्नर साहब ने पूरी मॉनिटरिंग की और हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा जाप्ता और पब्लिक के सहयोग से रात्रि में केस को खोला। दोनों जो अपहर्ता थे पुरुष जो प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है जिसका एक रेस्टोरेंट चलाता है उसका मालिक है और एक महिला जो कल हमें अपना नाम सोनिया सिंह बता रही थी राजपूत कम्युनिटी से बता रही थी उसकी गहनता से तफ्तीश करने पर और उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसका नाम साहिमा पुत्री रहीम खान उत्तर प्रदेश की होना ज्ञात हुआ है और अभी जो बता रही है कि उसका हस्बैंड रेलवे नौकरी करता है ये भी तथ्य अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी में आया है प्रथम दृष्टया कि इस महिला ने इससे पहले भी इसी साथी के साथ में अन्य अस्पताल में भी बच्चे उठाने के लिए रेकी की है। इसके ऊपर हमारा अनुसंधान जारी है। मैं हमारी टीम के बहुत ही जो सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ में जो प्रथम दृष्टया SHO बस्सी ने त्वरित रेस्पॉन्स किया हमारे यहाँ प्रद्युमन सिंह जो हमारी टेक्निकल सेल का था उसने कैंप करके पूरी नाइट सहयोग और उसके साथ में ये किया और पहली बार मैंने कैमरे की लाइव एक्शन के तहत काम किया जिसमें हमारे अभय कमांड सेंटर से एक महिला कांस्टेबल सुशीला 48 48 और एक ASI साहब जो रात्रि में ईश्वर सिंह वहाँ पर DO लगे थे वो बता रहे कि सर आप इधर जाइए वो गाड़ी पहले इधर आई थी इस साइड में जा सकती है। तो जो भी अभय कमांड सेंटर के कैमरे आगरा रोड पे थे उन्होंने बैठ के और जो खोनागोरियान और लुनियावास रोड पे जो कैमरे लगे हैं उन्होंने बैठ के इसको हमें गाइड किया जिससे कि हम सफल हो चुके और एक नवजात शिशु की जान बचा सके और साथ ही एक माँ से उसके बच्चे को मिलवाया। थैंक यू। मैडम जो है इन्होंने लेके गई थी ये मैडम कौन है और क्यों इस तरह से बच्चा चोरी करना चाह रही है? अभी प्रथम दृष्टया उसने बताया कि मेरे एक लड़की है लेकिन उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता अभी और मैं अभी मेरे कुछ दिन पहले ही मिसकैरेज हुआ है और मुझे लड़के की चाहत थी मेरे लड़की इसलिए मैं चला है लेकिन मुझे अभी इसमें पूछताछ और करनी है कि उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट आ सकता है।
आदमी कौन है जो उसको सहयोग कर आदमी आदमी का जो ये प्रकाश सिंह है, ये उसका अपने आप को फ्रेंड है बताता है, और ये जो सानिया उर्फ सामिया उर्फ सोनिया सिंह है, ये उसकी अपने ये गर्लफ्रेंड बताता है। अभी इसके ऊपर इनके क्या संपर्क हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैडम जो भी आरोपी हैं, ये रैंडमली गई थी, इसको पता था कि यहाँ पे बच्चा है एक महीने में? मैंने बताया, इसने पहले भी अभी तक के टेक्निकल और साक्ष्यों के आधार पे हम इस बात पे पहुँचे हैं कि इसने पहले भी बच्चों की उठाने की रेकी की है। एक जगह अभी पूछताछ में आया कि उठा लिया था, लेकिन उसके पहले से ही कुछ संदेह हुआ होगा या उसको उसने अपनी गोद में ले लिया था, लेकिन अचानक लगता है व्यक्ति को, इससे संबंध में अभी तफ्तीश कर रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल था ये? अभी आसपास के हॉस्पिटल्स का दौरा किया, इसने दोसा भी किया है, जो मेरी अभी तफ्तीश में आया है, इसका दोसा का भी लोकेशन आई है और एक दो जगह की और आई है जिसके बारे में हम वेरीफाई कर रहे हैं। अभी अभी तक इसका ये सामने आया कि महिला ये रहती है और गाड़ी में इसका जो पुरुष मित्र है उसके द्वारा, हाँ रेस्टोरेंट मालिक जो पुलिस मित्र है प्रकाश, उसके द्वारा साथ जा रहा एक दो बार पाया गया है। नहीं, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि भाई कि इसका पर्पज क्या है, और हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऐसा बिंदु है तो हम आगे भी करेंगे, लेकिन एक दिन का बच्चा है।